जेल से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन ये दुनिया की यात्रा में मिलकर के प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। एक एक दिन जो हमें इतना अच्छा अनुकूल परिस्थिति में जो मिलता है, ये इसका महत्व बहुत लोग नहीं जानता। अभी आपको मालूम है यहाँ पर पानी बहुत मिलता है, वो लोग पानी का कुछ बहुत नहीं देता, परंतु जहाँ पर पानी हफ्ता में एक बार नहीं तो महीना में एक बार जो मिलता है, उनका एक एक बूंद पानी बहुत बहुत उनके लिए मांगा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन का जल हमें बहुत आय से पीने के लिए मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। तो अपन कभी भी इसको तुच्छ ना करें। आज भी बहुत लोग प्रभु का भजन सुनने के समय में ये प्रभु का ही भजन है वो बात का समझ नहीं रहता। किसका भजन है? प्रभु का भजन है, उसका महत्व नहीं रहता। बहुत कुछ बात बोलने के लिए लगता था लेकिन समय इतना नहीं, इसलिए अपना विषय प्रवाह है कि प्रभु भेजेगा। क्या है? प्रभु भेजेगा। हमने मानव पहला प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति के बारे में देखा, वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके बारे में हमने इतना विस्तार से नहीं है तो भी थोड़ा कुछ तो हमने देखा। आज प्रभु ने भेजा हुआ पुत्र के बारे में देखने जा रहे हैं। प्रभु ने किसको भेजा? अपना पुत्र को भेजा। ठीक है, प्रभु ने भेजा पुत्र को भेजा। हम पहले उसका बारे में कुछ बातें देखना चाहता हूँ। आपको मालूम है प्रभु ने एक बार यहूदियों को एक दृष्टांत रूप में एक बात कहा था, मत्ती उसका 21 अध्याय का 33 से 37 तक का वचनों में। और एक और दृष्टांत सुनो, एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और घुमट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकलकर मार डाला। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो वो किसानों के साथ क्या करेगा? बस बस अभी देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो वापस उसका मतलब 37 वचन और एक बार पढ़िए। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। विधाने ये मतलब प्रभु किसका बारे में बोल रहा था? यीशु मसीह अपने ही बारे में बोल रहा था, है ना। मतलब पिता ने अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु बार बार ये बात का गवाही देता है। मतलब मैं ऐसा अपनी इच्छा से नहीं आया, पिता ने मुझे भेजा, है ना। जब वो भेजने का एक एक शब्द पढ़ेगा तो बहुत रेफरेंस है, लेकिन उसका मकसद समझने के लिए कुछ वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। योगना उसका 3 अध्याय का 17 वचन, योगना का सुसमाचार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, मतलब भेजा क्यों भेजा, इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा देने, मतलब दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा, एक बड़ा उद्देश्य भेजा, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखा, मतलब पुत्र को क्यों भेजा? दंड के लिए, दंड देने के लिए नहीं भेजा, उद्धार करने के लिए भेजा, उद्धार करने के लिए भेजा। प्रियो, ये कितना अनोखी बात है। ये दुनिया में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के पीछे पिता का लक्ष्य क्या था? कि वो उद्धार करे, लोगों का उद्धार करे। वो दंड देने के लिए नहीं आया, किसी को दंड दिया नहीं। दुनिया दंड देना चाहा तो भी प्रभु के पास आ गया तो दंड से बच गया, है ना। प्रभु हमें बचाने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया। और यहाँ पर भी हम देखता है पिता ने भेजा। कौन भेजा? पिता ने भेजा। हम उसका 5 अध्याय का 30 वचन पढ़े। मैं अपने आप से कुछ
नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा चाहता हूँ। देखा, अभी यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं बोलता है, मैं भेजा गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ, पिता ने मुझको भेजा है। आप देखिए प्रियो, और वो भेजने वाला का इच्छा मैं चाहता हूँ। कितना धन्यवाद है हमारे जीवन में, कितना लोगों को पढ़ने के समय में, हमारा भी जीवन ऐसे है ना, हम भेजा हुआ है, भेजा हुआ लोग, भेजने वाला जिस काम के लिए भेजा उसमें हमें हमारा बना रहना, वो बात का हमें हमारा बहुत जानना है ना, हम भेजे हुआ है। अभी यीशु मसीह त्याग और बोलने वाला शब्द कितना अच्छा है, और एक बार पढ़िए 5:31। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, देखिए वो इस पर क्या है कि मैं मनमानी नहीं कर सकता। प्रभु का भेजने वाले व्यक्ति कहीं भी भेजा जाएगा तो वो अपना मनमानी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, अपनी भेजने वाला का इच्छा चाहता हूँ। देखा, अपनी भेजने वाला का इच्छा चाहता हूँ। एक भेजा हुआ व्यक्ति भेजने वाला का इच्छा दिवाने के लिए तत्पर रहेगा, तो मतलब हम लोग भी प्रभु की ओर से भेजा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी उधार पाए हुआ हरेक लोग प्रभु की ओर से भेजा हुआ लोग है, ये शब्द आप लोग मालूम है। अभी बार बार पढ़ना पढ़ने से चलेगा। अभी हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए, भेजने वाला का इच्छा पूरा करे। अभी उसका 6 अध्याय का 44 सुनिए, यहाँ पर सब कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसने उसे खींच न ले। हाँ, बोलने का अर्थ मेरे पास आने वाला भी साधारण लोग नहीं आ सकता, कोई अपने आप नहीं आ सकता, मुझे भेजने वाला कुछ लोगों को मुझे देता है, वही मेरे पास आएगा। देखा, इसका मतलब इसमें भी हम लोगों को मतलब सीखने के लिए बहुत बात है। हमारे पास कई लोगों को प्रभु भेजता है ना, वो हमें मिलने के लिए अनंत जीवन, उनको जीवन की वजन पहुंचाने के लिए प्रभु भेजता है, लेकिन हम लोगों ने बात को नहीं समझता क्योंकि अभी तक हमारा समझ इतना माना खुला नहीं, लेकिन यीशु मसीह जानता था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि पिता ने दिया हुआ है, पिता ने दिया हुआ उनको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, है ना। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे भेजा वो जब तक आकर्षित नहीं करेगा मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, हमारे जीवन में भी कुछ भी भेजना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए, हम लोग कितना सुरक्षित है। अभी आप सोचो, जब इसराइल लोगों को जब मरुस्थल में चलाया, चलाने के समय में 40 साल क्यों घुमाया, 40 साल क्यों घुमाया है? आपको समय मिलने पर आप अनुवाद का किताब 8 अध्याय ध्यान से पढ़ना, अभी बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन मैं उसमें से आप एक दो बात ऐसे बताना चाहता हूँ। अभी ये लोग हर बात में प्रभु में भरोसा करने वाला, प्रभु में आश्रय करने वाला बनने के लिए इस रीति में चलाया, ठीक है। अभी आप देखो, अभी कपड़ा चाहिए, कपड़ा का दुकान है मरुस्थल में, जूता चाहिए, जूता का दुकान है नहीं है, मतलब पानी चाहिए, लो पानी, खाना चाहिए, लो खाना, फिर सब प्रभु देगा, तब खाएगा तब पिएगा। देखो 40 साल तक उनका वस्त्र बदला नहीं, वो वस्त्र बैठते गए, जूता किसान ही मतलब जूता भी बढ़ते गया। अब सोचो ना, 5 साल का बच्चा 40 साल 45 साल का मतलब व्यक्ति बन गया, मतलब वो जैसे बढ़ता उसके अनुसार जूता भी बढ़ते गया। देखा, उनको ये सिखाया, मैं तुझे चलाने वाला परमेश्वर कितना महान है, और तुझे हर बात में मुझ पर भरोसा रखना है ना। बहुत अच्छा सबक है, 40 साल का मरुस्थल की यात्रा में बहुत कुछ बात हमें उसमें से सीखने के लिए मिलता है। 8 अध्याय 20 वचन है, आप लोग पढ़कर देखना, बहुत अच्छा स्टडी आप लोगों ने अनुभव व्यवस्था का 8 अध्याय।
अभी उधर नहीं जाएगा, मैं सोचा था उसमें से कुछ बोलो करके, लेकिन मैं बोलने के लिए जाएगा तो वही बोलते बोलते खत्म हो जाएगा, फिर अपने क्लास में पीछे जाएंगे, इसलिए मैं सीधा ही आया। प्रियो, हम लोग आज भी उसी प्रभु के द्वारा चलाया जाता है, हम प्रभु की बेड़े हैं, हम प्रभु की चराई की बेड़े हैं, प्रभु हमको चराता है, हमारे हरेक बातों में प्रभु का ध्यान है, हर बात में प्रभु का ध्यान है। कई बार हम लोगों को कंप्लेन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें जो ले जाता है प्रभु सब ध्यान करके ले जाता है, और हमें मसीह के रूप में लाने के लिए है। ये आसों के द्वारा उसका भी बहुत अच्छा चित्र आपको मिलेगा करके मैं आशा करता हूँ। ओके, अभी वही योहन्ना से ये पूरा है, इसलिए मैं चैप्टर पढ़ेगा तो आपको मार्क 7:29 पढ़ना मेरा यहाँ पर सब प्रभु यीशु मसीह। हाँ, देखा, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि उसने मुझको भेजा, मैं उसके ओर से है। देखा प्रियो, जिसने भेजा वो व्यक्ति भेजने वाले को जानता है। आज भी हम लोग हमारा भेजने वाला प्रभु को जानता है क्या? हम लोग कितने लोग उसने बोला मैं जानता हूँ मैं जिस पर विश्वास किया है ना, मैं जानता हूँ मैं जिस पर विश्वास किया। प्रियो, हमें भेजने वाला, हमने जिस पर विश्वास किया, हम उनको जाना है क्या? प्रभु को जानना भी। अभी यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे भेजा है मैं उसे जानता हूँ। देखो कितना अच्छा मैंने समझ ले करके ये जीवन की यात्रा है। 8:42 पढ़ना। यीशु से कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम उनसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। देखा, उस जो तुम लोग परमेश्वर को अगर जानता उसने मुझको भेजा है। क्या हमारा कैसा यहूदी लोगों को कैसा हमारा टॉकर नहीं आएगा, पर तो बात सच है, लेकिन ऐसा वो लोग विश्वास नहीं कर पाया है, बहुत बड़ी बात है। उसका 9:4 मैं सर भाई योगना से लिया, बाकी हमारा उसमें है, मैं उधर नहीं गया क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, देखा, जिसने भेजा उसका काम कब करना? दिन ही दिन। देखा, बोलने का मतलब प्रभु जो हमें अवसर देता है वो सारा अवसर में प्रभु का काम करते रहना। प्रियो, आप देखिए आज के दिन में, आज प्रभु ने हमें दिन दिया, आज के दिन में प्रभु का हम किस प्रकार काम किया, किस रीति में काम किया है, हमें अपने जीवन को परखना है। तो यीशु मसीह मतलब जितना भी दिन के समय था, सिर्फ दिन के समय नहीं, प्रभु रात को भी पिता के साथ बिताता था, लेकिन दिन में पिता का जो दिया हुआ उन कामों में लगा रहता था, उन कामों में लगा रहता था। उसका 10:36 तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उनसे कहते हो निंदा करता है। हाँ, पिता ने पवित्र करके जगत में भेजा, पिता ने भेजा है। देखो प्रियो, बार बार प्रभु यीशु मसीह कहने वाला बात है, मुझको पिता ने भेजा है। उसका 17:8 उसका 17 जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरे ओर से आया हूँ, मतलब तेरे ओर से आया, मतलब और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। देखा, तू ही ने मुझे भेजा। अभी इधरी आकर के बैठ करके प्रभु के वचन सुनने के समय में तक बहुत लोगों को इतना भी विश्वास नहीं, ये प्रभु का ही वचन है। देखा, प्रभु का ही वचन है करके विश्वास करेगा तो वचन मानने के लिए फिर देर नहीं करेगा। देखिए, लोगों को विश्वास नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन आपको, हमें ये बात को जानना है, मतलब प्रभु का वचन जानेगा तो वो वचन को मानने के लिए सचमुच में उनके अंदर उत्साह बढ़ेगा। रेडी हो जाएगा, प्रभु ने कहा वो बात अभी भी जाने दो करके प्रभु को मानने वाले व्यक्ति कभी नहीं बोले। उसका अभी 17:8 पढ़ा ना, उसका 21 पढ़ा, 17:21
देखा संसार विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा, तू ही ने मुझे भेजा। ऐसा बहुत है। मैं अभी मानो इस विषय में मतलब पुनः करते क्या है कि मेन बात पिता ने किसको भेजा, पुत्र को भेजा। इससे पहले हमने देखा मतलब परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम योहन्ना था। ओके, तो अभी मतलब प्रभु का दिया हुआ काम क्या था, वो काम पूरा किया गया है ना, ये जानना जरूरी बात है। मैंने आपको बोला ना, जिसको भी प्रभु भेजता है, अभी ये मतलब यदन वाटिका में आदम को रखा, आदम अब होकर रहने के बाद में देखो ये बगीचा में बहुत पेड़ पौधा है, खूब खाओ पियो आराम करो, ऐसे बोला नहीं, उसको दो टूटी था। हाँ, उसको दो टूटी था है ना, उसको दो टूटी था। कहा दूसरा अध्याय 15 वचन में देखो सबको, और आज विश्वासी को ये नहीं मानो, विश्वासी को नहीं मानो, उसका कुछ काम नहीं करके है। उत्पत्ति 2:15 में उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा करे, काम भी करना रक्षा भी करना। ओ देखा प्रियो, अभी उनको उतना काम दिया योहन्ना बपतिस्मा देने वालों को, हमने देखा कि उनको 6 काम दिया। अभी यीशु मसीह को मैं आज कम से कम 7 काम का वर्णन करूंगा। ऐसे तो बनाने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं 7 बातों को उड़ाकर कहूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बात मैं उस विषय में बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों को भी जानना भी। हम लोग प्रभु का चुन करके भेजा हुए लोग है, मंडली बिल्कुल, मंडली के बारे में आज भी बहुत लोगों को वो प्रकाश नहीं मिला, इसलिए हमारा धोखा है। ये वजन लोग विश्वास से लेता नहीं, विश्वास से लेना प्रियो, और एक सच्चा मंडली जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है, बहुत गौरव का बात है। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने जब योहन्ना उसका 17:4 वचन में जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, जो कार्य तूने मुझको दिया वो कार्य मैंने पूरा किया, पूरा किया। वही बात उसका 19:30 में सूरी में प्रभु ने बोला था, डेथ वेस्ट आए, पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। क्यों? प्रभु ने ये काम पूरा कर करके पिता का महिमा किया। ऐसा है तो मैं एक बात आपको मतलब पूछना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु ने मुझको क्या क्या काम दिया वो एक एक दिन मैं वो पूरा करता हूं करके कितने लोग बोल पाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया वो बातें, रोज हमें जो करना चाहिए कम से कम मैंने 10 बात बताया था। रोज प्रभु 3 काम करता है और हमें 10 बात करना चाहिए करके। इसे कुछ समय पहले आप लोग में से कई लोगों का आपका नोटबुक में जरूर रहेगा, आपको याद होगा रोज हमें करना चाहिए कम से कम ये 10 बात करना ही चाहिए करके बताया था। ओके, तो अभी प्रभु यीशु मसीह को जो भी काम दिया वो काम पूरा किया। मैंने उसमें से 7 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको उड़ाकर कहना चाहता हूँ, 7 महत्वपूर्ण बातें। उसमें नंबर 1 बात क्या था, मतलब पिता को प्रकट करना था, पिता को प्रकट करना था। पुत्र का सबसे पहला सबसे बड़ा एक कर्तव्य है पिता को दुनिया को प्रकट करके देना था। जब योहन्ना का समझ आया उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, देखा, देखिए परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, फिर कौन देखा? केवल पुत्र। देखो केवल पुत्र है ना, वो एक प्रयोग बहुत बड़ा बात है। पहले बात परमेश्वर को कोई देख ही नहीं सकता, परमेश्वर को परमेश्वर ही देख सकता, तो यीशु मसीह परमेश्वर है इसलिए वो देख पाया है ना। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक परमेश्वर हमेशा साथ में रहता है ना। आपको सबको मालूम है मतलब पहला तिमोथी 6 का 16:17 वचन वो कैसा है, अगम्य ज्योति में रहता, उसको कोई नहीं देख सकता, ऐसा है प्रभु का अवस्था। अगम्य मिल गया तो और वह अगम्य ज्योति में
रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न कभी देख सकता है, नहीं देख सकता। देखिए, कोई मनुष्य ने नहीं देखा और नहीं देख सकता। अभी प्रभु यीशु मसीह सिर्फ केवल मनुष्य नहीं, वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य। तो यीशु मसीह, इसलिए जब योहन्ना 6 अध्याय का 46 वचन, योहन्ना 6 अध्याय का 46 वचन, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा, केवल उसी ने पिता को देखा। बोलने का मतलब, पिता ने भेजा हुआ पुत्र के अलावा कोई भी पिता को नहीं देखा, या वो पिता को जानता भी नहीं। पिता को जानना भी कोई भी मनुष्य का बात नहीं है। प्रभु जिसको प्रकट करना चाहता है कोई पिता को या पुत्र को जान पाएगा, है ना। लेकिन देख नहीं सकता। अभी आपको मालूम है मूसा का दिल में बहुत इच्छा था प्रभु को देखने का, देख पाया नहीं। प्रभु ने बोला कोई भी सृष्टि प्रभु को देख करके जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी सृष्टि। इसका मतलब यीशु मसीह सृष्टि नहीं है, ये भी बात सबूत हो गया, क्योंकि उसने उसको देखा, उसने उसको देखा। कितनी बड़ी बात है। अभी यीशु मसीह में होते हुए हम अनंतता में प्रभु का चेहरा देख करके हम रुके आराधना करेगा, वो हमारे लिए मंडली के लिए मिला हुआ एक बड़ा सौभाग्य था। और वो भी हम अपनी सामर्थ्य में नहीं, मसीह में होकर, हम मसीह में होकर के पिता ने हमें इसलिए मसीह में देखा। हम लोग अनंतता का विषय एक्चुअली उसका प्रकाशन गहराई में पवित्र लोग पाना चाहिए, वो प्राप्त करेगा तो फिर मतलब ये दुनिया या दुनिया की बातों के और अपना दिल कभी बहकेगा नहीं। लेकिन लोग वो प्रकाश पाने के लिए इतना उत्साह नहीं रहता, मालूम नहीं उनको बुला वो बुलाहट का महत्व तो लोग नहीं समझा होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा ये वजन को थोड़ा सही रीति में समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर रहने के लिए नहीं बुलाया है। हम दुनिया का है ही नहीं, हम स्वर्ग का है। हमें स्वर्ग के बारे में जानने के लिए कितना आनंद होना चाहिए। प्रभु ने हमें कैसा कैसा पद भी दिया, हम प्रभु के साथ बैठेगा है। प्रभु के साथ बैठने के लिए स्वर्ग दूतों में प्रधान दूतों को तक अधिकार नहीं। आप देखो जो प्रधान दूत कहता है मिकाएल है, गैब्रियल है, ऐसा उन लोगों को भी प्रभु के साथ बैठने के लिए अधिकार नहीं। पर जो प्रभु हमें मीन मंडली में विजयी जीवन बिताने वालों को, मंडली में विजयी जीवन बिताने वालों को प्रभु के साथ बैठाएगा। देखा, प्रभु के साथ बैठाएगा। बाकी लोग भी स्वर्ग पहुंच जाएगा लेकिन साथ में नहीं बैठेगा। साथ में कौन बैठेगा? जो जय पाएगा। हम सबको मालूम है प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोग वहां पर एक वायदा रूप में प्रभु ने बताया। हर एक बातों का एक कंडीशन प्रभु रखता है। वहां पर 3:21 क्या बोलता? जैसा, देखा वहां पर एक कंडीशन आया, जैसा मैं जय पा करके मैं जय पा करके अपने पिता के सिंहासन में बैठा, वैसा जो जय पाएगा वो मेरे साथ बैठेगा। मतलब आपको मालूम है पिता हुआ उस अनादिकाल में सर्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा अकेला था, पर जो होने वाला भविष्य में हम लोग मंडली प्रभु के साथ रहेगा और साथ बैठेगा और साथ राज करेगा। कितना बड़ी बात है, कितना ये बात सच्चे करके विश्वास करते हैं क्या? आमीन। ये बात सच्चे प्रिय, ये स्वर्ग में जाने के बाद में सिर्फ मानने वाले बात नहीं, प्रभु के वचन में कोई बंडलबाजी है ही नहीं। जो लोग आज सट्टा मारता, ऐसा सट्टा नहीं प्रियो, ये सब प्रभु का वचन है, पवित्र वचन है, कभी ना बदलने वाला वचन है, एक बिंदु भी नहीं बदल सकता। इसलिए यहां पर यीशु मसीह बोलता है पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ एकलौता जो पिता की गोद में बैठता है वो, मतलब मैं ही हूं, वो बात प्रभु ने एकदम प्रमाणित किया। अभी वहां का एक बड़ा अनोखा बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो करता भी था, जो पिता करता था वही यहां पर आकर के भी करता था। ये इसका एक अनमोल बात है। इसका मतलब प्रभु के साथ रह करके हमें भी वो बात सीख करके वैसा जीना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, इसलिए बात लिखा है।
अभी आप देखिए जब योहन्ना 5 अध्याय का 19 अध्याय योहन्ना 5:19 यीशु ने हमसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। आ, देखा पिता जो करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वाह वाह, देखा पिता जो करता है उसी रीति से पुत्र भी करता है। आप देखा है, पिता जो करता है उसी रीति से पुत्र भी करता है, मतलब पिता के पास जितना अधिकार है उतना पुत्र के पास भी है। वो जो करता है वो पुत्र भी कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बोले करते वो दुनिया में आ गया, शरीर में आ गया, अभी भी उन्होंने अपनी शरीर की इच्छा में नहीं जीवन बिताया। वो बोलता है कि मैं ऐसा जी नहीं सकता, जो पिता करके दिखाता मैं वही करता हूं। भैया इन बातों को समझना, एक मसीह जीवन का गौरव इन वचनों से हमें समझना है। हमारे यीशु मसीह ने जो किया हमें वही करना है। मैं बोला ना, एक सच्चा मन फिरने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, प्रभु की इच्छा जान करके ऐसे जिएगा। प्रभु के दृष्टियों में एक एक बात जैसा है वो परखेगा, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है। अभी उसका माला 7:16 पढ़ना, 7:16 उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। देखा इसका मतलब यीशु मसीह जो भी बताता था वो पिता उनको बताता था, तुझे आज क्या क्या बात बोलना है, किस रीति में किन किन बातों को कहना है, ये सब कौन बताता था, पिता बताता था। और पिता बताता वैसा ही पुत्र बताता, देखिए उसमें थोड़ा भी तोड़ना जोड़ना मोड़ना नहीं। बहुत गंभीर बात है। यहूदी लोग भी ये बाइबल वाला परिभाषा भी कर रहा था तो बहुत डर के साथ करता था, क्योंकि तो छोटा भी गलती बिल्कुल नहीं आना, बहुत त्याग करता था। प्रियो हमारे जीवन में उस भी बढ़ करके पिता का हमारा बात पुत्र माना। अभी उसका 8:28 पड़ी, 8:28 देखिए एक एक बातों में। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। देखिए मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूँ। देखा पिता ने जो मुझे सिखाया वैसा ही मैं करता हूँ। देखा कई बार लोग कुछ उल्टा उल्टा काम करता है तो दूसरा मंडली के लोग बोलता है, क्या आपका मंडली में ये सिखाया क्या? कई बार है, कई बार कई लोग बोलता है, क्या आपका प्रभु का दास ने यही सिखाया क्या? देखा क्योंकि जो सिखाया वही तो मंडली के लोग करेगा। आप लोग यही सिखाया क्या? ओ जो सिखाया ऐसा करो ना, जो सिखाया वैसे करेगा तो कभी भी माना गलती होगा ही नहीं। पर जो क्या करता है, हम अपनी तरफ से कुछ कर देता है तो हम पर बात गड़बड़ रहता है। पर यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। देखा है पिता जो भी बताया करने के लिए वही काम उतना ही करता है, उतना ही करता है। एक बार गेहसी ने एलिशा ने गेहसी को भेजा, तुम किसी से बात भी नहीं करना, ये सीधा जा करके वो मर गया, वो बालक के ऊपर डाल देगा, किसी की तरफ देखना भी नहीं, बात करना भी नहीं। वो ऐसे ही किया, लेकिन काम नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु जो कहेगा वहां पर पक्का बात होगा, है ना। उसका हमारा 10:12 का 49:50 पढ़ना, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। ओ देखा इसका मतलब क्या है कि मैं वैसा ही बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझे कहा है। ओ ये बहुत गौरव का बात है। इसका मतलब यीशु मसीह हर एक बातों में कितना सावधान था,
पिता को कैसे सम्मान करता था, एक प्रकार बोलेगा तो पूर्ण रूप में वो पिता का कंट्रोल में था। अगला वचन मानो 14 अध्याय के 10 वचन पढ़ना, आपको और भी वो साफ हो जाता। हाँ, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, देखा देखा, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखा, इसका मतलब पिता के लिए पुत्र कितना साफ रीडी में अवेलेबल था। पिता को बोलने के लिए यीशु मसीह सिर्फ मुंह बना, प्रभु आज वही हमारे से भी चाहता है, तू मेरा मुंह बना, जो मैं कहता हूं तू वही कहेगा तो तू मेरा मुंह बंद कर रहेगा, है ना। एक बहुत बड़ी बात है, मुझे मतलब यर्मिया का किताब में ऐसे एक शब्द है, मतलब अगर तू मेरे बात को उसका 15 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, आखिरी बात, हाँ देखा, तुम मेरा मुंह का समान होगा, क्या होगा, मेरा मुंह का समान होगा, कैसा शब्द है प्रियो, प्रभु का मुंह बन करके रहना। उसका 51:20 पढ़ना, मतलब यिर्मयाह 51:20, बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु की बात को मानने वालों को प्रभु कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा, प्रभु का योग्य एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, प्रभु का मुंह बनाएगा, प्रभु का हथियार बनाएगा। यशायाह उसका 62:3 पढ़ना, यशायाह उसका 62:3, देखा, मतलब यहोवा का हाथ में शोभायमान मुकुट, देखा कब है प्रभु, प्रभु का बात उसी रीति में मानेगा, तो उसी रीति में मानेगा तो बहुत अनमोल बात है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह, इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम है यहां पर भी मसीह लोग गया, लोगों ने पहचाना ये भी मसीह है, क्योंकि ये लोग मसीह के साथ रहा है, उनकी बातों में उनकी व्यवहार में दुनिया ने पहचाना। प्रियो, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, और जो पिता को पुत्र ने प्रकट किया, एक बार फिलिपोस जो चेला था यीशु मसीह को एक बात कहा, क्या कहा बारे में, वही योहन्ना 14:8-9, हाँ पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए है बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा, देखा प्रियो कितना गौरव की बात है, क्योंकि यीशु मसीह में कौन जी रहा था, पिता जी रहा था, पिता बोल रहा था, पिता काम कर रहा था, हरेक काम पिता कर रहा था, सिर्फ यीशु मसीह सिर्फ एक पैसल था, एक पात्र था। वही सेम बात है पियो आज मसीह जीवन का भी है, हमारे जीवन में कौन दिखना चाहिए, मसीह दिखे, मसीह दिखे, हम मसीह का पात्र है बोलते हैं, देखिए लोग हमें हमारे भी मसीह को पढ़ पाता है। यीशु मसीह क्लियर फिलिपोस को बोलता है, मैं इतना दिन तक तो तुम्हारे साथ रहा, तुमने अभी भी बोल रहे पिता को दिखाओ, अरे जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मेरा पिता और मैं एक है, उसका 10:30 वचन एक छोटा भाग है, देखा मैं और पिता एक है, आप उसको अलग क्यों करना चाहते हो, है मैं और पिता एक है, उसका 8:19 वचन, 8:19 वचन, ये प्रयोग बहुत अनमोल है, इसलिए मैं आपको वचन पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने उसे कहा, पिता कहाँ है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम मुझे जानते हो, मैं मेरे पिता को,
यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। देखा, मुझे जानता है तो वो पिता को भी जानता। देखा, जो यीशु मसीह को जानेगा वो पिता को भी जानेगा, क्योंकि यीशु मसीह और पिता एक है। उसका हमारा 12:45 योहन्ना 12:45 और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वालों को देखता है। देखा, जो मुझे देखता है वो मेरा भेजने वालों को देखता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप में अपने आप में पिता को दर्शाते हुए जीवन बिताया या पिता को प्रकट करके जीवन बिताया। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब पिता ने भेजा हुआ यीशु मसीह ये दुनिया में जो भी काम किया, यीशु मसीह कभी भी अपनी इच्छा में नहीं गया। जब अपनी इच्छा में जाएगा तो अपने से जरूर प्रभु का हित की खिलाफ बात हो जाएगा हमेशा हर बात में। इसलिए हमारे लिए ताकि हमारे चेतावनी क्या एफिसियों 5:17 आपको मालूम है। मतलब हमारा हरेक बातों में पिता की इच्छा मालूम करके उसी को करना पढ़ना उसको 5:17। हाँ देखा, निर्बुद्धि ना हो। हम आप लोग बुद्धिमान है, आप प्रभु में मुलाहट पाया है, आप प्रभु के वचन को मानता है, प्रभु की दृष्टि में आप बुद्धिमान है। इसलिए निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। प्रयोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा से बाहर कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, हमेशा पिता का इच्छा में रहा और पिता को प्रसन्न करते रहा। इसलिए यीशु मसीह दुनिया की यात्रा में कभी अकेले नहीं रहा, है ना। उसका 8:29 मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम, मैं सर्वदा, देखा, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हर रोज पिता की इच्छा जान करके उस इच्छा को पूरा दिल से पूरा किया। यीशु मसीह हमारे लिए भी एक आदर्श देकर गया। देखा कितनी बड़ी बात है, अपने जीवन में हर बात में प्रभु ने आदर्श दिया। आज हमें कैसे चलना है, इसका मतलब नंबर 1 बात है, प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, पिता का गुण प्रकट किया, पिता का स्वभाव प्रकट किया, है ना, अपने जीवन से पूर्ण रूप में पिता को प्रकट किया। दूसरा बात प्रभु ने क्या किया, मतलब प्रभु मतलब प्रभु को पिता ने क्यों भेजा था, उसका उद्देश्य क्या था। जब मरकोस 10:45 उसका 45 हो गया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, इसका मतलब पिता ने बहुतों की चुड़ौती करने के लिए भेजा था, और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो बात को अपने ऊपर लेकर के बोलता है, मैं किस लिए आया, मैं दूसरे से सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा उनका करने के लिए आया। देखा कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। कोई बात जब मत्ती उसका 20:28 हो जाए, तो सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने कहां क्या किया, उसका 26:28 मत्ती 26:28 क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखा, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रयोग ना, पिता ने पुत्र को क्यों भेजा, पहली बात पिता को प्रकट करने के लिए, दूसरी बात सबकी छुटकारा का दाम चुकाने के लिए। अभी आपको मालूम है छुटकारा कभी भी मनुष्य से संभव नहीं था। प्रियो, इसलिए पिता ने मतलब पिता का योजना, मैं ये सोचता हूं सिर्फ परमेश्वर ने सृष्टि में मनुष्य को ही सिर्फ अपनी स्वरूप और सच्चाई में बनाया, है ना, कितना एक अतुल्य बात है। और पिता का दिल में एक बहुत बड़ा चाहत था, आपको मालूम है राज करना,
क्या करना, राज करना, मतलब उत्पत्ति 12 अध्याय का 26 से 28 तक का वजन आपको सबको मालूम मिल गया। तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे, अधिकार रखे, अधिकार रखना, राज करना। देखिए हम देखता है मानव परमेश्वर ने जिस प्रकार पद्धति बनाया वो पद्धति उसमें वो लोग प्रवेश नहीं कर पाया। देखिए प्रभु का योजना कभी फेल नहीं होता। प्रभु ने इसके लिए अपना पुत्र को भेजा, पुत्र के द्वारा अभी प्रभु हमें छुटकारा दे करके अभी ये काम पिता का उस उद्देश्य पूर्ण होने वाला बातों पर पहुंच जाएगा। उस समय में हम लोगों को मालूम पड़ेगा वास्तव में हमारा पिता इतना महान है ना, क्योंकि उस समय में बिल्कुल पुत्र का उसी पदवी में वो तो बोते पुत्रों को महिमा में लाने के लिए अपना एक रवता पुत्र को कष्टों की कष्टों में उन्होंने सिद्ध किया। बहुत बड़ी बात है, मृत्यु का उन्होंने मतलब आस्वादन किया, चक्कर जाना, बहुत भारी शब्द है वो सब। इब्रानियों दूसरा अध्याय का 9 वचन है ना, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मृत्यु का स्वाद चखा, यीशु मसीह ने कैसा मृत्यु, मैं आपको बोलता हूँ हर एक पवित्र लोग 5 मिनट हर रोज प्रभु ने कैसा मृत्यु का स्वाद चखा, गेत्सेमने गबादा गोलगोथा, यहाँ पर एक बार नजर घुमाना चाहिए मेरे लिए, मेरा प्रभु ने कैसा मृत्यु का स्वाद चखा, कितना अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मतलब इसलिए भेजा, भले बात पिता को प्रकट करने के लिए, और दूसरी बात है हमारा दाम, हाँ मानव जाति का आदम ये पीढ़ी का दाम चुका करके उनको छुटकारा देने के लिए, उनको बचाने के लिए आया। और तीसरी बात क्या है, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, किसलिए आया, हाँ ये वचन वाला आपको सुमरी दे पाया तिमोथी पाया अध्याय उसका 15 वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अभी आप देखिए मसीह यीशु किसलिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए। आज भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाया और अब आप में जीवन बिताता है, प्रियो ये शब्द सुनने के बाद आपके दिल में तड़प हो रहा है क्या, मुझे तो भी उद्धार चाहिए। एक इंसान ने सारा संसार को भी कमाया और जो आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है। प्रियो आज इंसान जो अपना समझता है वो सब छोड़कर जाने वाले एक दिन आएगा, है ना, जब मृत्यु का दिशा में जब आएगा वो मृत्यु का दिशा में उनको मालूम पड़ेगा, अरे मैंने जिंदगी भर मैं किसके पीछे भागा, मैंने ये क्या किया। जैसे अलेक्जेंडर ने मतलब आखिरी में दुखी बना, मैंने जो करना चाहिए था किया नहीं, मैं दुनिया के पीछे भागा, नाम के पीछे भागा, मैंने दुनिया को जीता पर मैंने मेरे आत्मा को नष्ट किया। देखो कितना दुखदायक बात है, कितने लोग ऐसा है, कितने लोग ऐसा है उन्होंने अपने जीवन काल मतलब दुनिया में अपने आप को जो बढ़ाई करते हुए अपने नाम को ऊंचा करने के लिए भागा या ये दुनिया को जीतने के लिए भागा, आखिर में सब छोड़ के चला गया, कोई भी इधर से कुछ लेकर गया नहीं गया। कितना दुखदायक बात है, कितना भयानक बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किसलिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए। अब मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ एक शब्द है उसका 9 अध्याय का 13 वचन उसका बी पार्ट, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हाँ मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, इसका मतलब इधर में भेजा और पुत्र का जिम्मेवारी पापियों को बुला करके उनका उद्धार करना, पापियों का उद्धार करना।
यही उसका नियुक्ति था भी। और उसका काम यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। सारे आदमी पीढ़ी का सारे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। प्रयोग कितना प्रभु विश्वास योग्य होकर के वो काम को निभाया। इतनी बड़ी बात है। और चारवी बात प्रभु का मानव प्रभु ने मर पिता ने दिया हुआ काम। चारों बात क्या है कि लूका 19 अध्याय का 10 वचन हम देखता है। देखा खो गया था। अभी हम सब लोग जानता है पाप किया वो मनुष्य परमेश्वर से दूर हट गया था, खो गया था। खो गया वो भेड़ कभी भी अपने आप अपनी चरवा के पास कभी नहीं आ सकता था। लेकिन हमें प्रभु ढूंढ कर आया। चरवाओं को ढूंढ कर जाना पड़ता। प्रयोग हमारा अच्छा चरवाहा वो हमें ढूंढ कर आया और हमको बचाया। आप देखिए हमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु को ढूंढ कर मैंने पाया करके दुनिया में आज तक कोई भी गवाही नहीं देगा। लेकिन हम देखता है प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु हमको ढूंढ कर आकर के बचाया। प्रभु ने जहां पर बंदे में फंसा था उधर से प्रभु ने हमें छुड़ाया और बचाया। हम कितना आभार होना चाहिए। उधर पाने के बाद में हम कितना आभार होने चाहिए। प्रभु धन्यवाद देता है। और पांचवा बात है योगना 10 अध्याय का 10 वचन में हम देखता है मैं इसलिए आया जीवन पाए बहुतायत से पाए। देखा प्रियो प्रभु में बहुतायत की जीवन देने के लिए आया। वेंटिलेटर में रहने वाले व्यक्ति को भी जीवन है पर तो बहुतायत का जीवन नहीं है। वायरलेस होकर के बिस्तरे में पड़ा हुआ व्यक्ति में भी जीवन है पर तो बहुतायत का जीवन नहीं है। प्रियो प्रभु में बहुतायत की जीवन देने के लिए आया। आज हम लोगों को वो बहुतायत का जीवन मिला इसलिए हम यहां तक आया, नहीं तो यहां तक भी नहीं पहुंचता प्रियो, है ना। प्रभु हमें उस बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और हमने वो जीवन को पाया, है ना। वो जीवन को पाया वही लोग एक सही दौड़ दौड़ पाएगा, एक सच्चा मसीह जीवन वही लोग बिता पाएगा। प्रभु बहुतायत का जीवन नहीं है तो एक विजय जीवन कभी नहीं बिता सकता। कितना धन्य बात है प्रियो। और चौथी बात हम लोग पहले योगना उसका तीसरा अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ते हैं। पहले योगना उसका तीसरा अध्याय का 8 वचन इसलिए प्रकट हुआ। हाँ शैतान के कामों को नाश करे प्रियो। बोलेगा तो शैतान की बंधनों को तोड़ करके हमें मुक्त करने के लिए आया है। इंसान की अवस्था क्या था, कई प्रकार का पापों की रस्सियों में बांधा हुआ पड़ा था। वो किसी कारण भी वो बाहर नहीं आ सकता था। इतना भयानक बात है प्रियो, है ऐसा इतना बुरी दिशा में। आपको मालूम है जब विलियम गेरी जब दुनिया में इंडिया में आया, आने के समय में कलकत्ता में आने के बाद में एक मतलब 12 साल का एक लड़की भागते भागते उसके पास आया, मुझे बचाओ बचाओ बोल कर के। अभी मतलब उन्होंने सोचा क्या बात है, उसके पीछे से मतलब एक झुंड लोग आ रहा है, वो लोग इसको पकड़ने के लिए उसको भगा रहे हैं, ये बचने के लिए भाग रहे। अभी मतलब वो लोग आकर के बोला ये हमारा बेटी है, इसको मतलब ये हमारे से कूद करके भागा है, इसको पकड़ कर ले जाने के लिए भाया। वो बच्चा रो रहा है, 12 साल का लड़की रो रहा है। मतलब पिछली सोचा क्या बात है, ये लोग मतलब उनका भाई लोग उनका बहन लोग उनका माँ बाप उनका बंधु लोग आकर के उनको जबरदस्ती उनके सामने से पकड़ करके उड़ा करके लेकर गया। बिल्लीगिरी ने सोचा अभी क्या बात है, कहाँ ले जा रहा है, थोड़ा देखते हैं। बिल्लीगिरी पीछे पीछे गया, गए तो क्या है वहां पर एक जगह पर देखा बहुत लोग वहां पर खड़ा है। वहां पर मतलब एक व्यक्ति को मतलब कुछ लकड़ियों के ऊपर लेटाया हुआ है। जाकर देखा तो
80 साल का एक बूढ़ा, 80 साल का एक बूढ़ा से ये 12 साल का ये लड़की से शादी कराया और वो बूढ़ा मर गया तो उसके साथ इसको हाथ पांव बांध करके उसके ऊपर लेटाया और उनको रस्सी से दोनों को बांध लिया। क्या बात है? और थोड़ी देर में पुजारी आकर के पूजा करके उसके ऊपर घी वाला डाल करके आग जलाया। वो एकदम रोया, चिल्लाया, पर उन लोगों का मस्ती जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट को और सबको बताया इंडिया में ऐसा उसको मालूम नहीं कि सदी ऐसा प्रकार का आ जा। देखो भी है वो बच्चे को जिंदा जिंदा जलाया। आप देखो कैसा कैसा अनाजार ये भारत में था। ये वचन भारत को बचाया, इतना भयंकर बात है। फिर उन लोगों ने उसके लिए बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। इंडिया का भी काफी मतलब नेता लोगों को मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ये कार्य करके, लेकिन मेन कारण ये बिल्डिंग करी, इसलिए उसका नाम पर मतलब स्टाम्प भी निकाला, उसका स्मरणार्थ। बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, अलग किसी प्रकार भी बाहर नहीं आ सकता था, ऐसा शैतानी के बंधन में हम लोग फंसे थे। रोते रोते मानव अपना वो चित्र देख करके, और उसने भी क्या बोला था जब रोमियो 7:24 वचन में, हाँ मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मतलब मैं इतना जंजीर से बांधा हुआ अनुभव में देखता हूँ, क्यों है मुझे इस पढ़ रहे उसको मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इतना भयंकर बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब प्रभु का वजन हमें छुड़ाता है। वजन बोलेगा वजन देहधारी हुआ हुआ मतलब व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हमें शैतान की उन सारी बंधनों से मुक्त करने के लिए है। आज मुक्त है कि नहीं? प्रभु ने मुक्त किया प्रयोग, उस आजादी में बना रहना हमारे कर्तव्य है ना। शैतान की उन बातों से उन बंधनों से प्रभु ने हमें मुक्त किया है, तो उस आजादी में बना रहना हमारे काम है। कई लोग वापस भी मतलब गुलामी में चले जाता है, कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। सातवां बात मैं आपको बताऊं, मत्ती 5:17, मत्ती 5:17 देखा, मैं किस लिए आया? पूरा करने के लिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु जिसको भी भेजता है उसकी द्वारा बहुत महनीय उद्देश्य प्रभु का है, और यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया प्रभु का मतलब हर प्रकार, इसलिए हमें व्यवस्था के श्राप से भी मुक्त किया। प्रयोग को हमारे लिए एक श्राप बन चुका था, हमारे से असंभव की बात था, लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था का अंध होकर के दुनिया में आकर के हमारे लिए उसे भी हमें छुटकारा दिया। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है ना। पिता ने पुत्र को क्यों भेजा, यह हम सात बात देगा। अभी समय बहुत कम है, इसलिए एक आदमी का एक शॉर्ट मतलब विषय को बोल करके समाप्त करूंगा। वो है प्रभु ने नादान को भेजा। किसको भेजा? नादान को भेजा। नादान का औचित्य आपको समझ में आया होगा, जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 12 उसका 1-7 तक वचन पढ़िए। तब यहोवा ने दाऊद के पास नादान को भेजा। भेजा किसको? भेजा नादान को भेजा। अभी बात को उद्देश्य पूरा आपको मालूम, आप पढ़िएगा पढ़िए। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक ही छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने गोद लेकर पिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने यह यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को
पर बहुत बड़का और उसने नाथान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। देखिए, दूसरे के ऊपर न्याय करना कितना आसान बात है, ऐसा काम किया वो व्यक्ति के बारे में सुना तो दाविद को कितना क्रोध आया। देखिए नादान ने उसके साथ वजन, तब नादान ने दाऊद से कहा, वही वह मनुष्य है। वाह, देखा वो क्रोध कहाँ गया है, तू ही वो मनुष्य है। प्रियो, मतलब दाविद के जीवन में आया हुआ गलतियों को छिपाते हुए वो उदार का सच्चा आनंद खो करके वो प्रभु का इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए बुलाट पाया, लेकिन उधर से वो दूर दूर भाग रहा था। इसलिए अपने भक्त को सुधारने के लिए उनका भाव का ज्ञान दिला करके उन्हें वापस मतलब सही राह पर लाने के लिए प्रभु ने अपने दास को भेजा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलिया प्रभु ने अपना दास को भेजा। अभी इधर क्या हुआ आपको मालूम है, दाविद के खूबी बहुत लोग क्या है, गिनती को हम दिखाएगा तो गिनती को मारने के तैयार नहीं होता, लेकिन दाविद का एक बड़ा एक स्वभाव अच्छा था। उसका 12 बजे पढ़ा, उन्हें तो वह काम की बात किया पर मैं यह काम सब के सामने 12 बजे 13 बजे 13 बजे मैंने यह बात तो पाप किया है। हाँ, तो मैंने ये पाप यहोवा के विरुद्ध में किया है। देखो आज बहुत लोग हैं, पाप के बारे में ज्ञान देगा तो भी वो पाप मानने के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे नहीं भी जब आपको प्रभु का दास लोग आकर के अपने गिनती को समझाता है तो तुरंत हमें अपने पाप को कबूल करना चाहिए। प्रभु हमसे गिनती हुआ, आपको सबको मालूम है नीरी वजन 28 का तेरा, जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की। देखिए दाविद ने यहाँ पर मान लिया और छोड़ दिया, प्रभु का दया उन पर हुआ, प्रभु ने उन पर दया किया। इसलिए वो 32 भजन संहिता में 4-5 भजन में वो एक बहुत बड़ा गवाही देता है, आपको मालूम है मैंने मेरे अपराधों को छिपाया नहीं है। तो प्रियो ये बहुत बड़ा बात है, आज बहुत से लोग भाव को छिपाता है, ऐसा लोग कभी भी प्रभु का अनुग्रह नहीं पाता। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आता है प्रभु अनेक लोगों का दिल की अवस्था जिंदगी को परख करके बात करता है। अब कई लोग क्या सोचता मन में, प्रभु का दास को मालूम था, इसलिए प्रभु का दास ने हमारे लिए टोटिंग मारा। देखा शैतान ने वहां पर भी उनको बसाया, एक तो बसा हुआ है और दूसरा और बसा है। प्रियो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, प्रभु ने लिया वो आलोचना मैं आपको सुनाता हूँ, अभी भी मैं किसी को देख करके मैं उनके लिए कभी नहीं बोलता हूँ, ऐसा मन में कभी नहीं लेना। ऐसा लेगा तो आप सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि पहली बात आप अपना पाप या गलती को छिपाना चाहता है, अब अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता है। लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहे भाई, प्रभु का दास किसी के लिए ऐसे क्यों बोलेगा, कभी ऐसा मत सोचना। प्रियो ऐसा विचार तक लाएगा तो आप देख रहा और भी शैतान आपको घात मारेगा और आपका दिल कठोर हो जाएगा, ये वचन आपके दिल में काम नहीं करेगा। पर जो दाविद का हम भी देखता है, दाविद ने छिपाए नहीं, प्रियो उन्होंने कबूल किया, सबके सामने कबूल किया, सबके सामने मेरे निंदा किया, वो करके उन्होंने कुछ भी मानो रोष नहीं दिखाया, क्रोध नहीं दिखाया, छिपाने की कोशिश नहीं किया। ये एक अच्छा गुण है, कभी भी ऐसा कई बार लोग सोचता है, लेकिन जो लोग सोचता है वो बात गलत है। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, इसलिए जो प्रभु ने बताया वो बात आपको बताता है तो इसमें कोई फोकस से डाल कर नहीं देता है। आपको बताता हूँ, आप देखा नादान ने भेजा, दाविद मन मिला, फिर दाविद परमेश्वर का दिल कही सब मेरा देखा, वो पाप कबूल करके मन फिरने के कारण दाविद का उतना अच्छा अनोखा पदवी में वो आगे बढ़ पाया। मेरा दिल का जैसा दाविद बोल के प्रभु ने गवाही दिया, कितना अनोखे बात थी। मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कल प्रभु का अगर आगमन नहीं हुआ तो दो भेजा वो बात बताऊंगा, एक
प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा, दूसरा प्रभु ने अपना वचन को भेजा। ये दोनों मानव एक कल का आगमन उसमें कल्प करने का कोशिश करेगा। बहुत ही अनमोल बातें भी हो, आप लोगों को बहुत कुछ मालूम, लेकिन कुछ नया बात भी तो हमें सिखाएगा करके हम आशा करता है। प्रभु के वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।